मूवी की शुरुआत होती है साल 1997 में, जहां पॉप सिंगर एल्विस का फॉर्मर मैनेजर कर्नल टॉम पार्कर अपने डेथ बेड पर होते हैं, यानी वो अपनी आखिरी दिनों से गुजर रहे होते हैं और एल्विस के साथ फर्स्ट टाइम मिलने और अपनी जर्नी को याद करते हैं। यहां से 1973 में शिफ्ट होती है। कर्नल पार्कर उस समय कंट्री सिंगर हैंक स्नो को मैनेज करते थे। फिर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एल्विस को रेडियो पर सुना तो उससे इम्प्रेस हो गए। पता चलता है कि एल्विस का बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरता है, क्योंकि उसके फादर को किसी कारण से जेल हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ मिशापी नाम का एक जगह पर रहता है। वहाँ मोस्टली ब्लैक पीपल ही रहते हैं, तो एल्विस उनके बीच में ही बड़ा होता है। वहाँ रहते हुए एल्विस मेम्फिस बियल स्ट्रीट की अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वहाँ रहकर ही वो ये म्यूजिक सीखता है। एल्विस अपने लोकल मैनेजर के अंडर कुछ रिकॉर्डिंग करता है और उन्हीं के अंडर एक शो करने के लिए जाता है। पार्कर भी एल्विस से इम्प्रेस होकर उसे सुनने के लिए उस शो में पहुँचते हैं। वहाँ मौजूद सारी ऑडियंस पहले तो एल्विस का मजाक उड़ाते हैं, पर फिर जब एल्विस गाना स्टार्ट करता है तो सारी ऑडियंस स्पेशली लड़कियाँ उसका गाना सुनकर पागल हो जाते हैं। पार्कर भी ये सब देखकर हैरान होता है और उसे पता लग जाता है कि एल्विस उसकी किस्मत की चाबी है। जैसे जैसे एल्विस बड़ा होता है, वो ब्लैक लोगों और उनके म्यूजिक के स्टाइल को अपने स्टाइल में लाने की कोशिश करता है। उसका ऐसा स्टाइल और म्यूजिक उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एल्विस को ये सब छोड़ने के लिए कहती है, तो एल्विस कहता है कि मैं सिर्फ आपका और डैड का ख्याल रखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर एल्विस अलग अलग जगह पर शो लगाने जाता है जो कि बहुत हिट होते हैं। उसे धीरे धीरे लड़कियों की और ड्रग्स की आदत लग जाती है। इसके बाद एक शो में हैंक स्नो और एल्विस दोनों को एक साथ परफॉर्म करना होता है। वहाँ भी एल्विस धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर हैंक स्नो को पीछे छोड़ देता है। ये सब पार्कर देख रहा होता है। स्नो के बाद पार्कर एल्विस को मिलता है और उसे पूरी तरह से अपना करियर मैनेज करने के लिए कहता है। एल्विस इसके लिए मान जाता है, पर पार्कर कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पिछली लाइफ यानी पेरेंट्स, लव, मैनेजर, उन सबको छोड़ना होगा। एल्विस इसके लिए भी मान जाता है, तो पार्कर उससे और उसकी फैमिली से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेता है, जो कि एल्विस एंटरप्राइज के नाम से होता है और वो उसके पूरे करियर को फुल मैनेज करने का राइट रखता है और उसके फादर को उसका बिजनेस मैनेजर बना लेता है। इसके बाद वो एल्विस का अलग अलग शो लगवाना स्टार्ट करते हैं, जिससे एल्विस बहुत अमीर हो जाता है और अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर खरीदता है। पार्कर एल्विस की मर्चेंडाइज लॉन्च करता है और एल्विस धीरे धीरे मशहूर होने लगता है। इधर एल्विस की माँ को पार्कर की इंटेंशन ठीक नहीं लगती। धीरे धीरे एल्विस हर जगह छाने लगता है, चाहे वो शोज हो या फिर टीवी पर। तभी उस पर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के पर्सन स्टीव एलन की नज़र पड़ती है और वो एल्विस के म्यूजिक के स्टाइल को बैन करने की पेटिशन डालता है, क्योंकि उनके मुताबिक एल्विस का डांसिंग स्टाइल और म्यूजिक ब्लैक लोगों की कल्चर को प्रमोट करती है, जो कि उनके बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो वो पार्कर को एल्विस का स्टाइल चेंज करने का या फिर उसके सारे शो कैंसिल करने की वार्निंग देते हैं। तो पार्कर एल्विस को इस मुद्दे को शांत करने के लिए अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करने के लिए समझाता है और एक डॉग के साथ चैरिटी शो करने के लिए कहता है, पर एल्विस उस शो में बहुत ज़्यादा एम्बेरेस होता है। स्टाइल चेंज करने के बाद किसी को एल्विस पसंद नहीं आता। जब पुराने एल्विस को वापस देखना चाहते हैं, एल्विस की माँ उसे कहती है कि जो उसका स्टाइल है वो गॉड गिफ्टेड है और उसे वही कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो कहता है कि पार्कर के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा चेंज होना होगा और गुस्से से निकलकर अपनी एक ब्लैक दोस्त को मिलने जाता है और सारी रात एक क्लब में ब्लैक लोगों को सुनते हुए बिताता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में एल्विस की पिक उसी ब्लैक फ्रेंड के साथ प्रिंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी पार्कर को कहती है कि तुम तो बोल रहे थे कि एल्विस चेंज हो रहा है, पर वो तो ब्लैक लोगों के साथ हैंगआउट कर रहा है। पार्कर उन्हें संभालता है। फिर एल्विस न्यू स्टाइल में अपना शो लगाने जाता है, पर उस शो के पास ही एक पॉलिटिशियन रेशियल डिफरेंस की बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर एल्विस प्रोवोक होकर अपने पुराने स्टाइल में गाना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर पार्कर बहुत गुस्सा होता है और पुलिस एल्विस को शो से अरेस्ट कर लेती है, उसे आगे मुसीबत से बचाने के लिए और गवर्नमेंट को ये प्रूव करने के लिए कि एल्विस एक अमेरिकन बॉय है। पार्कर उसे 2 साल के लिए आर्मी में भेजने का डिसाइड करता है।
पर एल्विस की माँ इसके खिलाफ होती है। पार्कर उन्हें कहता है कि फैमिली की इमेज और एल्विस का करियर बचाने के लिए उसे आर्मी में भेजना बहुत जरूरी है, तो एल्विस इसके लिए मान जाता है। पर इस चक्कर में उसकी माँ की ड्रिंक करने की आदत बहुत बढ़ जाती है और एल्विस का फिक्र करते हुए वो मर जाती है। एल्विस जब अपनी माँ के मरने पर उन्हें देखने आता है तो पार्कर उसे कन्विंस करता है आर्मी में वापस जाने के लिए, और एल्विस को उसकी माँ की सैक्रिफाइस का वास्ता देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने डैड, फैमिली और फ्रेंड्स को संभालना होगा। पार्कर एल्विस और उसके फादर को मीडिया के सामने रख के इस सिचुएशन को भी फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करता है। फिर एल्विस आर्मी में वापस चला जाता है और जब वो जर्मनी में होता है तो प्रिजिला से मिलता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद जब एल्विस वापस आता है, पार्कर उसे हॉलीवुड मूवी में प्रेजेंट करता है। एक के बाद एक हिट मूवीज देखकर एल्विस एक बड़ा मूवी स्टार बन जाता है और हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार बन जाता है। इसी बीच वो प्रिजिला से शादी कर लेता है और एक बेबी गर्ल की फादर बनता है। एल्विस का लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा होता है, पर उसकी लाइफ में चेंज तब आता है जब पॉलिटिकली ज्यादा ओपनली बोलने के लिए एक ब्लैक लीडर मार्टिन लूथर किंग जीआर को मार दिया जाता है। उनकी डेथ से एल्विस अंदर से हिल जाता है और वो भी इन डिफरेंस को हटाने के लिए पॉलिटिकली एक्टिव म्यूजिक गाने की इच्छा रखता है। पर पार्कर उसे अब एक फैमिली एंटरटेनर बनाना चाहता है, तो उसे एक क्रिसमस शो में सांता का सॉन्ग गाने के लिए बुक करता है। अपने आप को वापस सही जगह पर लाने के लिए एल्विस मिस्टर बाइंडल को एज ए मैनेजर अपॉइंट करता है और उन्हें कहता है कि उसे पुराना एल्विस वापस चाहिए। और उसने अपनी माँ को अपनी टेंशन से मार दिया, जिसके कारण वो कहीं गुम सा गया है, पर वो अब रियल एल्विस को वापस लाना चाहता है। तो एल्विस अपने सांता वाले शो की जगह अपना पुराना रॉक एंड रोल स्टाइल का म्यूजिक रिकॉर्ड करता है, जिसे सुन के पार्कर और बाकी स्पॉन्सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच एक पॉलिटिशियन रॉबर्ट मर्डर हो जाता है। एल्विस और उसकी टीम इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। बाइंडल कहता है कि ये कंट्री बहुत बुरी पोजीशन में है, तो एल्विस को इसके लिए कुछ गाना चाहिए। बदले में पार्कर कहता है कि एल्विस का काम पॉलिटिकल चीजों में नहीं है, तो एल्विस कहता है कि वो अपना पुराना रॉक एंड रोल म्यूजिक गाकर अच्छा फील करता है और उसे भी लगता है कि कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए उसे एक पॉलिटिकल सॉन्ग गाना चाहिए। तो पार्कर कहता है कि उसे सिर्फ अपना काम करना चाहिए और सांता क्लॉज सॉन्ग गाकर लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। यह पार्कर एल्विस को छोड़ने की बात कर देता है। फिर टेलीविजन शो के दिन एल्विस सांता सॉन्ग ना गाकर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और पॉलिटिकल सॉन्ग गा देता है, जिससे पार्कर और स्पॉन्सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद मैनेजर बाइंडल एल्विस के लिए एक बड़ा मल्टीनेशनल टूर का ऑफर लाता है, जो कि पार्कर ने पहले रिजेक्ट किया होता है, क्योंकि पार्कर एक बिना पासपोर्ट का इलीगल डच इमिग्रेंट है और वो ये बात एल्विस से छुपाता है। धीरे धीरे पार्कर का रोल एल्विस की लाइफ में कम होने लगती है और एल्विस डिसाइड करता है कि वो पार्कर से अलग हो जाएगा। जब वो ये बात पार्कर को बताने जाता है तो पार्कर उसे बताता है कि वो मल्टीनेशनल टूर इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें बहुत ज़्यादा फिनेंशियल रिस्क है। अब पार्कर उसे सामने वर्ल्ड टूर से पहले एक न्यू इंटरनेशनल होटल में 6 हफ्ता गाने के लिए कहता है, क्योंकि वो होटल वाले एल्विस की शो का सारा खर्चा उठाने को रेडी थे और वो उस न्यू होटल को फेमस बनाना चाहते हैं। एल्विस मान जाता है और उस होटल में जब पहला शो लगाता है तो वो बहुत हिट होता है। पार्कर शो में ओनर्स को कहता है कि मैं तुम लोगों की जगह होता तो एल्विस से लंबे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाता, तो ओनर्स कहते हैं कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता है, तो हम उसे कैसे बुक कर सकते हैं। बदले में पार्कर कहता है कि अगर तुम लोग उसे वर्ल्ड टूर जैसा यही फील कराओगे तो मैं एल्विस को इस होटल के लिए लंबे टाइम के लिए साइन कर सकता हूँ, और एल्विस को 5 साल के बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करवा लेता है। एल्विस शो पर बहुत सी गर्ल्स को किस करता है, जिसे प्रिजिला देखती है और परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद एल्विस इंटरनेशनल टूर पर जाने की तैयारी में लग जाता है, जिसे देखकर पार्कर परेशान होता है। एल्विस और उसकी फैमिली के मन में डर पैदा करने के लिए पार्कर 6 हफ्ते पूरे होने पर लास्ट शो में एल्विस पर एक पर्सन से ऑन स्टेज अटैक करवा देता है और सिक्योरिटी का रीजन देते हुए एल्विस को इंटरनेशनल टूर लगाने से रोकता है और उसकी फैमिली को कहता है कि अभी एल्विस को अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए कंट्री से बाहर टूर लगाना नहीं चाहिए, बदले में उसे कंट्री के अंदर ही शो करना चाहिए, क्योंकि इस कंट्री के अंदर वो उसका पूरा सिक्योरिटी का ख्याल रख सकता है। एल्विस मान जाता है और पार्कर लगातार 4 साल बहुत सारा उसका
का शो लगवाता है। पार्कर उसे बहुत से सैटेलाइट कॉन्सर्ट भी करवाता है, जिसके थ्रू एल्विस कई देशों में एक साथ परफॉर्म कर सकता था। पर इतनी ज्यादा बिजी लाइफ को हैंडल करने के लिए एल्विस ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है और लड़कियों से मिलना भी स्टार्ट कर देता है। उसकी इन आदतों से परेशान होकर प्रिसिला अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़ के चली जाती है। इधर एल्विस का मैनेजर बाइंडल को पता लग जाता है कि पार्कर खुद इलीगल इमिग्रेंट होने के कारण एल्विस को वर्ल्ड टूर लगाने से रोक रहा है। होटल की शो की बैक स्टेज पर जब बाइंडल एल्विस को ये बात बताता है तो एल्विस ड्रग के कारण वही बेहोश हो जाता है। फिर पार्कर एल्विस को ड्रग देकर उस रात फोर्सफुली परफॉर्म करवाता है और एल्विस शादी ऑडियंस के सामने पार्कर की सच्चाई बता देता है, उसे चलते शो में फायर कर देता है। फिर पार्कर एल्विस को कोर्ट में घसीटने के बदले एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करने का नोटिस भेजता है। वो अमाउंट एल्विस को कंगाल बनाने के लिए काफी होता है। एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद एल्विस को जब कोई चारा नहीं दिखता तो वो पार्कर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने की डिसाइड करता है, पर वो दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। प्रिसिला के जाने के बाद एल्विस की ड्रग की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब वो एक आखिरी बार प्रिसिला से मिलता है तो उसे कहता है कि उसे मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। फिर पता चलता है कि 42 की एज में एल्विस की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है। अपनी आखिरी शोज में से एक में एल्विस बहुत ज्यादा खराब हालत में होते हुए भी एक अनचेंड मेलोडी गाता है, जहां मीडिया उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाती है। उसके डेथ के बाद पार्कर पर बहुत से केस हुए एल्विस को फिनेंशियली अब्यूज करने के लिए, पर इलीगल इमिग्रेंट होने के कारण वो बचता गया और अपनी लाइफ के एंड के दिनों में वो जुए की लत के कारण कंगाल हो गया और मर गया। एंड में पता चलता है कि एल्विस आज तक का दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगर आर्टिस्ट है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।